की आत्महत्या के मामले में आरंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को संबंधित थाना जो न्यायालय था उसमें पेश किया। 29 दिसंबर को सोनम दिबंगन ने घर में जहर खा लिया था। उपचार के दौरान रायपुर के एक निजी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। मृतिका के मायके वालों ने आरंग थाने में पति शेखर दिबंगन और साथ ही साथ ज्येष्ठ आनंद और जेठानी सरस्वती दिबंगन पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। मृतका के परिवारजन, माता पिता लोग शंका किए और उनके ससुराल वालों पर आरोप लगाए कि दहेज नहीं लाने के कारण से इनके साथ मारपीट कर प्रताड़ित कर देते। इस पर हर बिंदु पर जांच की गई। जांच पर पाया गया कि मृतका सोनम दिबंगन अपने ससुराल वालों के प्रताड़ना से उसकी तंग आकर के वहीं बड़वानी